तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ चुके हैं हमारे टेरेस गार्डन में और काम करते हैं। अभी बजा है सुबह का 8:15 से 9:15 तक। रोज़ मैं कोशिश करती हूँ एक डेढ़ घंटा अपने टेरेस गार्डन को मॉर्निंग में दे। तो क्या क्या काम करेंगे आपके साथ में करेंगे शेयर। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ, सारे पेंटिंग करती हूँ मैं आके सबसे पहले इनकी, और फटाफट अपने टेरेस गार्डन का एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं। आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो आपको पता है कि क्या करना है। तो शुरू करते हैं, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये देखो ऐसे इस तरीके से यहाँ ये सारे पौधे हमारे रहते हैं इस तरीके से ऐसे। कल मैंने सारे पौधों को पानी दिया था, कल शाम को आके सारे ही पौधों को अच्छे से दिया था हमने पानी। और ये इस तरीके से यहाँ वाला एरिया हमारा ऐसा रहता है ऐसे। आज कुछ कुछ काम करूँगी एक्स्ट्रा आपके साथ में करेंगे शेयर वो। और ये देखो ऊपर हमारे ये हैंगिंग, इंडोर वाला हैंगिंग जिन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारे इधर हमारे प्लांट्स ऐसे रखे रहते हैं। ये अर्टेनियम की सीडलिंग्स मैंने लगाई है ये वाली, और ये ग्रीन ग्रास ये इधर ये, इसके बारे में आज तक मुझे पता ही नहीं चला ये है क्या। मुझे पता ही नहीं है ये है क्या, इसमें कुछ उगता नहीं है, बस ये अच्छा लगता है ऐसे लगा हुआ। और यहाँ ये सारे इस तरीके से रहते हैं अगेन। ये इसमें से आप रजिता में से भी कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, शायद बारिश हुई तो सारे सीड्स ख़राब ना हो गए हों यार। चलो ठीक है, फिर भी वेट करेंगे। ये ग्रीन ग्रास यहाँ जैसे मैंने ये आपके साथ शेयर की थी, अब नए नए शूट्स निकलने लगे। अब देखना धीरे धीरे जितनी भी सूखी ग्रास है ना सब ख़त्म हो जाएगी और एकदम अच्छा हो जाएगा। बढ़िया कैसा हो जाएगा ये, इस तरीके से हो जाएगा बढ़िया। तो फटाफट से ओवर भी देते हैं नहीं तो काम फिर लेट होता है। इस तरीके से ये ब्लर क्यों आ रहे थे। और ये इधर हमारी ये ऐसे रहते हैं, ऊपर ये हमारे ऐसे रहते हैं आर्डीनियम में। कल मैंने पानी दिया रिपोर्टिंग के बाद, मैंने कल दिया था आर्डीनियम को पानी तीनों को ही। तो आज मुझे पानी वानी देने की ज़रूरत में नहीं है। ये पीछे मेरे सक्यूलेंट्स रहते हैं यहाँ, इस तरीके से मैं ऐसे रखती हूँ इन्हें। ये सारे इंडोर सक्यूलेंट और इंडोर दोनों मिला के चलते हैं, मतलब एक साथ रखती हूँ मैं। तो चलो ठीक है, फटाफट से देते हैं इस तरीके से ओवरव्यू। यहाँ हमारे ऊपर बड़े वाले पौधे रहते हैं अगेन, ये हमारे हैंगिंग प्लांटर्स 9 o'clock की। देखो मैंने कटिंग्स लगाई थी, सब चल पड़ी है, अभी से धूप में शिफ्ट करने का टाइम आ गया, 1 week से ऊपर हो गया इन्हें। और ये सारे हमारे हैंगिंग इधर रहते हैं, फिर इधर ओवर भी ऐसा रहता है। ये हमारे रोज़ेस वगैरह और ये सारे हमारे पौधे। ये देखो 9 येलो वाले में कितनी सारी बर्ड्स आ रही है, येलो वाले रोज़ में हमारे। बस इस तरह ये सारा रहता है। ये रोज़ेस अब स्पेंड हो चुके हैं, कट करने हैं, नए नए रोज़ेस खिल चुके हैं। ये सारे यहाँ इस तरीके से ऐसे रहते हैं। ये देखो कुछ मिनट इसका सीड निकालना है मुझे, और थोड़ा होने देते हैं, पूरा पक जाएगा उसके बाद इसके निकालेंगे। कच्चे सीड को निकाल सकते हैं क्या, वो ग्रो नहीं करता यार। ये सारे विंटर के ये रोज़ देखो कितना प्यारा खिला है, बहुत टाइम लगा रही है कलियाँ यार खिलने में, जबकि रोज़ बाद में खिला खिल गया, मगर ये बहुत टाइम लगा रही है। मुझे देखना है कि कौन सा इसकी बर्ड्स बहुत प्यारी प्यारी आई हैं यार। ये देखो इस तरीके से, और ये बटन रोज़ में फ्लावरिंग हो चुकी है। ये बटन रोज़ का सही इतू सा रहता है, ये इतना सा फ्लावर रहता है हमारा। तो चलो ठीक है, और यहाँ पर रहते थे नए नए शूट्स खिलने लगे हैं। बहुत सारे काम जो मुझे करने हैं, बार बार कहती रहती हूँ। और देखो इसको मैंने चेंज किया था ना, तो इसमें नए नए वो आने लगे, शूट्स आने लगे रिपोर्ट करने के बाद में। ये बाहर हमारे बोगनविलिया, ये सारे हमारे कनेर वनेर। तो चलो ठीक है, शुरू कर जाते हैं हमारा गार्डन का काम, नहीं तो क्या लेट जाएंगे। ऊपर हमारे इस तरीके से हैंगे ये रहते हैं बड़े वाले। तो चलो शुरू करते हैं गार्डनिंग का काम। तो सबसे पहले तो जितने भी 9 o'clock है ना, ये सारे धूप में शिफ्ट करना है मुझे। ये सारी कीलियाँ से निकाल के एकदम धूप में शिफ्ट करना है, तो इन्हें निकाल देती हूँ यहाँ से। तो 9 o'clock तक मैंने यहाँ लाके लगा दिया, वहाँ लगे हुए थे तो वहाँ की धूप थोड़ी सी देर रहती है दिन में, मतलब 12-1 बजे तक की, यहाँ पूरे दिन भर की धूप रहती है। इसलिए मैंने सारे मेरे 9 o'clock लाके तीनों ही लगा दिए यहाँ, और भी पुराने वाले और इन्हीं के साथ मैंने लगा दिए यहाँ इस दीवार पर। यहाँ पूरे दिन भर की अच्छे से धूप आएगी, और 9 o'clock को जब तक धूप नहीं मिलेगी इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, जैसा कि आपको पता है। इसलिए उन्हें पूरे दिन भर की धूप चाहिए होती है। तो देखो आज मैं क्या करने जा रही हूँ, एक इंडोर प्लांट ये डिफन बेलिया ऐसे कुछ, हाँ इसको यही कहते हैं शायद, इसको पहले ऐसे कट कर देती हूँ देखो। और कट करने के बाद में क्या करेंगे आपके साथ में करेंगे शेयर। तो इस तरीके से देखो मैंने इसकी कटिंग ले ली है, और
ये रहा ये मेरा पौधा, ये देखो इसमें क्या धनिया भी उग रहा है। अरे भैया हट जाओ धनिया जी। और ये कटिंग हमारी इस तरीके से है, ये देखो इस तरीके से ये इसकी कटिंग है। ये आंटी बैठी है यहाँ, आपको दिख रही होगी, उसमें नए नए शूट्स खेलेंगे वो भी आपके साथ में हम करेंगे शेयर। जैसे जैसे ये इसमें कितनी स्टैम्प्स निकलती है वो आपके साथ में करते हैं शेयर। और ये इसकी हमने ले ली है अच्छी सी कटिंग, तो देखो ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये मेरे पास पहले बहुत सारे थे, अब एक ही बचा है, तो मैंने सोचा कटिंग से दो लगा लिए जाए। एक तो उसकी कटिंग लगाई थी तो वो तैयार हो गया, और एक उसकी, अब इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं आपके साथ में करते हैं शेयर। तो ये देखिए ये वाला मैं गमला ले आई हूँ, इसमें वो खिले थे, एक कौन से वो गुलदाउदी खिले हुए थे। अब गुलदाउदी सारे स्पेंड हो चुके हैं उसकी, मतलब ख़राब हो गए हैं। नहीं गुलदाउदी नहीं, गुलदाउदी की तो मैं सारे बचा के रखती हूँ। कैलेंडुला, हाँ कैलेंडुला की सीड्स मैंने ले लिए हैं इस वाले एक पौधे के। तो अब ये मेरा हो चुका है खाली, और इसका पॉटिंग मिक्स भी अभी तैयार किया था, क्योंकि कैलेंडुला होता है सर्दी का, वो ख़राब हो चुका था। तो गुलदाउदी तो मैं क्या प्लांटर्स में बचा के रख लेती हूँ। अब इसको हम कट करते हैं, इसे देखिए हम कैसे कट करती हूँ। मैं इसको है ना यहाँ से सारा हटा देती हूँ, कट करती हूँ सारी लीव्स को हटा देती हूँ ऐसे। नहीं ये कटिंग के थ्रू बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं, और अभी ये इसमें समर में इसका सीज़न आएगा इस वाले प्लांट का। देखो नए शूट्स आने लगे थे ना, इसलिए बस कुछ नहीं करना होता है, बहुत ईजी तरीका। और ये इंडोर प्लांट है, आपने देखा होगा ये इंडोर वगैरह रखा जाता है। बस ठीक है काफ़ी, ये हमारी हो चुकी है कटिंग तैयार, कुछ नहीं करना है हमें। दिखाती हूँ जस्ट ये जो मिट्टी है ना इसमें से हम ऐसे गाड़ देंगे। ये पॉटिंग मिक्स अभी विंटर वाला था, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स का, इन्हें फुल फर्टिलाइज़र वगैरह सब अच्छे से दे रखा था, तो ये अच्छे से अब ग्रो कर जाएगा। और कैसे कैसे ग्रो करेगा, नए नए शूट्स आएंगे वो आपके साथ में करेंगे हम अच्छे से शेयर। और अभी इसमें लगा रहने देंगे, फिर क्या होगा काफ़ी टाइम तक, कम से कम साल भर तक इसमें रहेगा। जैसे जैसे बड़ा कर जाएगा इससे और प्लांटर बनाएंगे, और फिर इसे बड़े प्लांटर में शिफ्ट करेंगे। बड़े इन द सेंस जैसे ये बड़े बड़े प्लांटर है ना, ऐसे में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये कम से कम इस साल तो मैं इसे रिपोर्ट नहीं करूँगी। और ये कैसे इसमें नहीं, ये इस तरीके से पत्तियाँ वगैरह आती है आपके साथ में करेंगे शेयर, कितनी शूट्स आएगी, कैसे ग्रो करेगा वो भी आपके साथ में। तो इस तरीके से ये समर का बेस्ट फ्लावरिंग, बेस्ट इंडोर प्लांट है समर का। तो आप इसे, और इसे छाया में रखिए, जैसे यहाँ रहता है ना तो बिल्कुल छाया में रहता है, मतलब अभी सुबह सुबह की छनी हुई धूप आएगी उसके बाद नहीं आएगी, 11 बजे बाद बिल्कुल भी धूप नहीं आएगी, और ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है। तो अब इसे हम कहीं शेड में रख देते हैं। और आप सोच रहे होंगे इसे, इसको पहले कटिंग को ना अच्छे से दबा देनी चाहिए, जिसमें ना इसमें ये इसकी कटिंग एकदम टाइट तरीके से लग जाए, अच्छे से हिले नहीं बिल्कुल भी। और क्या, हाँ इसमें मैं पानी नहीं दूंगी, जैसे सबको दिखा रहा इसकी मिट्टी कितनी गीली है। कल मैं सारे पौधों में पानी डाल के गई थी, साथ के साथ इन गमलों में भी डाल दिया था, इसलिए पानी मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और सब रख देंगे, और देखो इसे तो मैंने यहाँ लगा दिया इस तरह, यहाँ ना छाया रहेगी और यहाँ ये ग्रो करता रहेगा। अब हम क्या काम कर रहे हैं, देखो एक ये है ये वाला, इसे क्या कहते हैं यार, इसका नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम, अच्छा तो कुछ नाम है इसका। और इसमें ना देखो इस तरीके से ना ये पिंक कलर की, जब विंटर होता है ना तो पिंक कलर की पत्तियाँ रहती है, और समर में इसकी पत्तियाँ हो जाती है वो एकदम ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन, और विंटर में ये पत्तियाँ इस तरीके से रहती है कुछ। और ये कटिंग के थ्रू बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है, मैंने बहुत सारे में लगा रखा है। मेरे नीचे वाला है ना, नीचे वाला तो हरा हो रखा है, शायद उसे धूप नहीं मिलती तो वो एकदम हरा हो रखा है, इसी यहाँ सर्दी में धूप में रहते हैं तो ये बिल्कुल लाल हो रखा है। और बहुत सारे पौधों में भी है, दिखाऊंगी अभी आपको, अभी दिखा देते हैं यार इसमें है। और देखो एक मैंने ये यहाँ लगा रखा है इस तरह से यहाँ, और दो नीचे हैं मेरे, मतलब नीचे जहाँ एंट्रेंस होती है वहाँ, और एक आधी जगह और लगा रखा है यार, पता नहीं कहाँ, याद नहीं आ रहा है। तो चलो ठीक है, अब इसको लगाते हैं तो लेट जाएंगे फिर। तो अब इसके लिए मैं क्या कह रही थी, इसका प्लांटर टूट गया था ये देखो, अब इसमें के अंदर पानी नहीं जाएगा, और जैसा कि आपको पता है अब गर्मी आने लगेगी तो पौधों को पानी नहीं मिलेगा, वो तो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे इसे तोड़ के वापस लगाना बहुत ज़रूरी हो गया, नहीं तो इसमें पानी बिल्कुल भी स्टे नहीं करेगा, आपको पता है गिर जाएगा इस तरीके से हो चुका है टूट के। इसलिए मैं इसे इसमें अगेन ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स का जो ख़राब हो चुका है उसका ये गमला है, इसका पॉटिंग मिक्स चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि चेंज नहीं करूँगी अभी इसके, जब मैंने अभी एक दो महीने पहले जब सर्दी लग
उसका पूरा पॉटिंग मिक्स चेंज किया था और नया पौधा लगाया था, कैलेंडुला। कैलेंडुला के सारे प्लांट्स मैंने ऐसे ले लिए हैं, बस एक बचा है जिसका सीड पॉट मुझे निकालना है और फिर वो निकालेंगे। अब इस पौधे को एक बार पूरा फोड़ लेते हैं, फोड़े या निकालें खींच के देखते हैं। तो देखो इसे खींच के निकालूंगी ना, तो यहाँ से ही कट करूंगी ना तो शैलो प्लांटर बन जाएगा, मतलब यहाँ से भी ये निकल जाएगा, तो इतने से में भी छोटे छोटे कोई पौधे लग जाएंगे मेरे इसके लिए। तो इसे खींच के निकालने की कोशिश करते हैं कि निकल जाए, निकल जाएगा। बिकॉज इसकी मैं कल मैंने ना मिट्टी लगाई थी, पानी लगाया था। देखो ये कटिंग के थ्रू कितना ईजिली उग जाता है। ये छोटा सा पौधा आपको दिख रहा होगा ना, ये बहुत प्यारा लगता है यार, पूरा सीजन रहता है, उसकी पत्ती इतनी प्यारी रहती है। ये देखो कटिंग एक छोटी सी लगा दी थी, वो भी ग्रो कर गई, आपको दिखती होगी। देखो इस तरीके से अब ये पूरा खींचता है इसमें से इसकी कटिंग। हाँ निकल गया मम्मी, देखो उसमें ना अर्थवर्म होते तो बहुत डर लगता है। तो ये देखो कितना प्यारा ये निकला है। अब इसे लगा देंगे और इसे यहाँ से तोड़ के, इस तरफ से तोड़ के मैं इसका एक शैलो प्लांटर बना लूँगी, तो बाद में DIY कुछ करेंगे इसका। तो इसे हम रख देते हैं और पहले ग्लव्स पहनते हैं। तो हमने ग्लव्स पहन लिए बिकॉज मिट्टी बहुत ज़्यादा ही इसकी हो रखी है गीली, दोनों ही कल पानी दिया था इसलिए कल शाम को। अब इसकी थोड़ी सी मिट्टी में हटा देती हूँ और ये भी इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और बहुत कम ही उसकी खाद वगैरह की ज़रूरत होती है। इसको एक बार लगा दिया फिर खाद वाद कम ही देनी होती है, कम केयर करो अच्छे से ग्रो करता है। तो इसे इस तरीके से मैं इसमें लगा देती हूँ और ये छोटा वाला और किसी में लगाएंगे। और देखो रिवर्स एंड वगैरह कितनी ज़्यादा होती है। ये भी एक तरीके से आप कह लो कि सकेलन तो नहीं कहेंगे मगर इसमें पानी स्टोर रहता है इसमें तो इसलिए इसे कम पानी की ज़रूरत होती है और लगता है बहुत सुंदर है। तो अगेन उसकी तरह लगा लेते हैं और फिर कहीं रखेंगे इसे। मैंने लग दिया है इन सब के साथ में यहाँ, ये पहले भी यहाँ रखा हुआ था इसलिए वापस अगेन इसे हमने रख दिया यहाँ। जी छोटा सा है ना, इसको किसी में लगाएंगे। तो अभी तो मैंने इसे आंटी के इस गमले में लगा दिया, आंटी ने मुझे ये गमला दिया था, इसमें अब कुछ लगा देना। तो मैंने सोचा क्यों ना, ये गमला खाली पड़ा है, इसके नीचे इसकी मिट्टी थी तो इसमें थोड़ी सी और मिट्टी भर के ये वाला इसमें मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे दूसरा काम देखते हैं, क्योंकि ये मिट्टी है और कुछ काम करके जाते हैं। तो देखो लास्ट में जाते जाते मेरे पास ये पौधा था, इसमें कटिंग लगा रखी थी वो चली नहीं। ऐसा भी होता है कि कटिंग्स आपकी 100% कभी नहीं चलती है, तो उस पर कटिंग लगा रखी थी वो नहीं चली। और मेरी फ्रेंड ने मुझसे एलोवेरा मांगा था, ये देखो ये चिपाई थी एलोवेरा, ये देख के गई थी ये वाले, इसमें खूब सारे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। तो मैंने यहाँ शिफ्ट किया था ये वाला, इसमें से तो एक भी बेबी प्लांट नहीं निकला, इसमें बहुत सारे निकले हुए। तो मैंने इसमें से खींच के भी एक निकाल लिया है, वो है ये। और अब इसे करते हैं देने की तैयारी, क्योंकि वो भी मुझे बहुत सारे प्लांट्स देती रहती है, तो जो हमें देता है तो हमें उसे देना बनता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए एलोवेरा का छोटा सा ये प्लांटर तैयार कर लिया जाए। तो देखो इसमें कितना सारा इसमें पानी स्टोर रहता है एलोवेरा की, ये इस प्लांट में देखो इतना सारा इसकी मोटी मोटी, इसको पानी बहुत कम देने की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र कम देने की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो मैंने सोचा इसे और इसे छोटे आप इसमें भी ग्रो करेंगे ना तो भी ईजिली ग्रो कर जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि इसे कम केयर की ज़रूरत होती है, तो ये छोटे में भी बहुत ईजिली ग्रो करता है। और ये इसका क्या मतलब बेनिफिट्स है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी को पता है। तो चलो ठीक है, इसे अब इसकी मिट्टी चेंज करके ये वाला लगाऊंगी, क्योंकि इसमें है ना रिवर्सन की मात्रा ज़्यादा है और उसमें कम है। तो इससे एक बार मैं पहले पलट लेती हूँ और देखो होल में कितने सारे रखती हूँ, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ऐसे होल रहेंगे ना तो ड्रेनेज अच्छा बना रहता है, और ड्रेनेज अच्छा बने रहने के कारण क्या होता है आपकी वो का पौधा कभी ख़राब नहीं होता। और ये है एक सक्यूलेंट प्लांट, इसे जब तक इसका ड्रेनेज अच्छा नहीं रहेगा ये पौधा सारा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए इसमें रिवर्सन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है ऐसा। तो बस अब इसकी सारी इस मिट्टी को अच्छे से मिला देते हैं और इसमें मैंने ये मिट्टी का ही रखी है, जो गमलों का टूट जाता है ना, सारे टूटे हुए गमलों को मैं बचा के रखती हूँ वो। और अगेन इसमें मैं भी पानी नहीं दूंगी अभी भी, जैसा कि हर मैं बार बार बता रही हूँ कि पानी बहुत ज़्यादा है इस मिट्टी में, एकदम अभी सौगी तो नहीं है मगर हाँ
ये सौ की हो भी नहीं सकती क्योंकि इसमें रिवर्सन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए सौ भी नहीं हो सकती है। मेरा हाथ भी ऐसा हो गया है। अब जस्ट इसे लगा देते हैं ऐसे और इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, फिर आपको बताते हैं। और इसे मैंने लगा दिया है यहाँ इन सारे पौधों के साथ में, इसके ऊपर दोनों गमलों के बीच में सपोर्ट में रख दिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ की सारी अब साफ़ सफाई भी करनी है। और बस अब वीडियो को बंद करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है। ओके बाय।